नमस्कार, बिजनेस अड्डा की और एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सुधाकर और आप देख रहे हैं आइए कमाते यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए और एक नया बिजनेस अड्डा लेकर आया हूं। एक ही मशीन से आप अपने घर से कम 5 से 6 उद्योग शुरू कर सकते हैं। मशीन की निर्माता जो मेरे साथ है, ब्लू स्टार कंपनी के ओनर विकास जी है, जो कि हम इस बिजनेस की जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और ये बिजनेस आइडिया बहुत ही अच्छा है, इसलिए इस वीडियो को कम से कम 20,000 लाइक मिलने चाहिए। आज हम देखेंगे सबसे फेमस बिजनेस जो चिक्की बनाते हैं। इसके लिए लगता है पीनट जैगरी मतलब गुड़ और उसका मिश्रण, और उसके लिए एक बहुत उपयोगी मशीन है जो मल्टीपर्पज मशीन बोल रहे हैं हम जिसको। ये है मल्टीपर्पज रोस्टर जिसमें आप रोस्ट भी कर सकते हैं, खावा बना सकते हैं अपना, हमने जैसे देखा कौन बना सकते हैं। तो अपन एक एक प्रोसीजर शुरू करते हैं। पहले लीजिए एक मूंगफली, इसकी कैपेसिटी है 1 से 1.5 किलो मूंगफली डालिए। अभी हमने 1 किलो मूंगफली डाली है इसमें। जैसे मूंगफली डालेंगे, गैस लाइटर से हमें गैस लगाना है। नीचे गैस लगी हुई है, मशीन को शुरू करें, दाने को सेकने दें। हमने मूंगफली के दाने सेक लिए, पीनट सेक लिए, उसके बाद अपने गुड़ की चिक्की बनानी है। गुड़ हल्का सा पीस दीजिए। तो इससे क्या होता है, जागरी जो होती है वो जल्दी फॉर्म होती है, जिसको हम चाशनी बोलते हैं वो जल्दी आ जाती है। इसका मशीन का हमें उपयोग क्या करना है, इससे गर्मी से इसको चाशनी बन जाएगी और शरीर से इसको एक जैसे हिलता रहेगा। इसको डाल दीजिए हल्का हल्का सा। शुरू में थोड़ा सा ये कर दीजिए सेक लगने के लिए, गाढ़ापन रहता है गुड़ में, गर्मी जैसे लगेगी पिघल जाएगा या हल्का हल्का सा जेली हो जाने दो। जैसे गुड़ अपना लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, इसकी तार चेक करते रहिए, जिसको चाशनी जब परफेक्ट आएगी इसकी तार अपने को लंबी जाएगी। तार लंबी जब चलेगी तो इसको बंद कर देना है और मूंगफली के दाने में डाल के इसको मिश्रण कर लेना है। अभी हम और टाइम के लिए थोड़ा घुमा रहे हैं। ये पीनट जो हमने पहले सेके हुए थे उसी को हम मिक्स करेंगे इसमें। यह चिक्की है जो कट होने के बाद इस शेप में दिखेगी, अपने हिसाब से हम उसको जाड़ा पतला बना सकते हैं। इस बहुउपयोगी मशीन से हम इसका दूसरा उपयोग देखेंगे। अभी हम इससे दूध से बने हुए पदार्थ, जैसे कि मसाले दूध रहता है, उसके बाद बासुंदी रहता है, उसी दूध को और गाढ़ा करेंगे तो खवा बन जाता है। थोड़ी सी शक्कर डाल के जो पेड़ा बनता है या पुअर मड़े का मलई पेड़ा बनता है, तो उसके लिए हम शुरुआत कर रहे हैं दूध डालने से। गैस को ऑन करें, मशीन को घूमते रखें और एक एक दूध डालिए। अभी ये मशीन, इस मशीन की कैपेसिटी है 3.5 से 4 लीटर से दूध से हम इसको मलई पेड़े के लिए जो खवा लगता है वो बनाएंगे। अभी हमने 0.5 लीटर दूध डाला, एक एक करके हम सब डालेंगे।
अब ये बिल्कुल मलई बन के तैयार हो गई है। दोस्तों जैसे हमने देखा ये प्योर दूध का अपना खवा बन गया है। इसमें अपनी मतलब अपनी अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी शक्कर डाली है, ये शक्कर पीसी हुई है ताकि मिक्सिंग जल्दी हो जाती है। यही काम अपन मशीन में भी कर सकते हैं अगर मात्रा ज़्यादा हो। दोस्तों हमने जैसे देखा हमने एक खवा बनाया था, उसके बाद हमने उसके पेड़े बनाए राउंड शेप में और इसे बॉक्स में डाल के हम इसको मार्केट में सर्व कर से 250 ग्राम 500 ग्राम तक। दोस्तों हम देखेंगे बहु उपयोगी मशीन में आप पॉपकॉर्न कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम इसका काम कैसे करते हैं वो तरीका सीखेंगे। ये गैस नीचे बर्नर रहता है, उसको हमें जलाना पड़ता है और उसके बाद में जो पॉपकॉर्न के लिए सामग्री है ऑयल, उसको थोड़ा सा हल्का उबालना है, हल्दी लगानी है ताकि पॉपकॉर्न में एक अलग से ये आ जाती है, टेस्ट आ जाती है। अभी हम इसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल सब तरफ फैला के डालिए। नीचे से गैस चल रही है दोस्तों, हमने आपको दिखाने के लिए मशीन बंद रखा है पर मशीन चलते हुए इसमें डालना है। उसके बाद में टेस्ट के लिए हल्दी डालिए। एक जैसा इसको मिक्स होने दीजिए। हल्के हल्के डाल दीजिए। अभी इसको थोड़ा बंद करके इसको ढक्कन लगाना है अपने को। ये पॉपकॉर्न बनना शुरू हो जाएगा, 2 से 5 मिनट में पॉपकॉर्न बनके तैयार हो जाएगी। इसको हल्का सा टिल्ट कर दीजिए, हैंडल को पकड़ दीजिए कि अपने बर्तन में सब गिर जाएंगे। इसे रख दीजिए, हल्का सा हाथ से निकाल दीजिए। अभी इसको हमने सॉल्ट लगाना है, एक ऊपर से ऐसे सॉल्ट छिड़क सकते हैं। अभी ये खाने के लिए तैयार हो। किराना दुकान में हम देखते हैं कि 2 रुपये की चिक्की मिलती है, कभी 5 रुपये भी मिलती है, बहुत सारे बचत गट वहाँ जाके सेल करते हैं। कोई खुद का ब्रांड बनाना चाहता है चिक्की का और अपने नाम से मार्केट में सेल करना चाहता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों की चिक्की की टेस्ट अच्छी रहती है, क्या इसका फॉर्मूला भी आपकी तरफ से दिया जाएगा उसे और इसमें मुनाफा कितना मिलेगा ये बताइए, और इस मशीन से हम कितनी किलो चिक्की बना सकते हैं 1 घंटे 8 घंटे की, ये भी बता दीजिए। अच्छा, ये बैच टाइम अपना हम पकड़ के चलते हैं, 15 से 20 मिनट में एक अपना बैच हो जाएगा। इसमें लगभग 2 किलो की मूंगफली के दाने की चिक्की हो जाएगी, उसको बनने के बाद हो जाता है वो 3 किलो तक बनेगी, जो मतलब मिश्रण और रहता है ये गुड़ रहता है, 2.5 से 3 किलो के बीच में जैसे मॉइस्चर है गुड़ में उस हिसाब से बन जाएगा। और एक बैच अपन 2.5 किलो की काउंट कर रहे हैं 20 मिनट में, तो घंटे में 7.5 किलो अपन आराम से बना सकते हैं। आज की तारीख में मिनिमम मार्जिन जो है 20 to 30 रुपीज़ पर के जी आप इस बिज़नेस से कमा सकते हैं। प्रति घंटा हम 7 किलो ही पकड़ कर चलिए दोस्तों, अगर 8 से 10 घंटा आप चलाते हैं तो 60 से 70 kg का प्रोडक्शन होगा। सर बता रहे कि प्रति किलो हम 20 रुपये से 30 रुपये आसानी से कमा सकते हैं क्योंकि खाने वाले प्रोडक्ट में मुनाफा ज़्यादा ही रहता है। अगर इससे देखा जाए तो 1500 से लेकर 1700 रुपये भी आप कमा सकते हैं अगर इस चिक्की बिजनेस का बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं। तो पॉपकॉर्न का प्रोडक्शन देखा, तो इस पॉपकॉर्न के बारे में ही बताइए कि अगर कोई शुरू करता है तो इस मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, कितनी लागत आएगी और पॉपकॉर्न बिजनेस से क्या कमाई हो सकती है सच में? क्या होता है जो मेज़ है या मक्का बोलते हैं उससे जब ब्लास्ट होता है तो पॉप हो जाता है, तो उसको पॉपकॉर्न कहते हैं। आज की तारीख में अच्छा से अच्छा जो मैसा मक्का बोलते हैं या मेज़ बोलते हैं वो बाहर देश से आ रहा है, तो वो 70-80 रुपये के बीच में केजी है, जो बेहतरीन मक्का है। सस्ता मक्का भी रहता है लेकिन आप थोड़ा बेहतरीन मक्का ध्यान रखिए। तो इसकी जो पॉपकॉर्न की क्वालिटी बनती है तो ये पकड़ के हम मिनिमम बोलते हैं कि 150 रुपये किलो तो आप बेच सकते हैं। नॉर्मली किलो में नहीं बेचा जाता, पाउच में बेचा जाता है, वहाँ मार्जिन और बढ़ता है।
₹5-₹10 का पाउच पकड़ के चलेंगे तो मार्जिन मिनिमम 50% मार्जिन पे तो ये बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस बहुत मतलब टेस्टी मटेरियल है, लोगों को लगता है, पसंद आता है और लोग ऐसे इसको काउंट करके नहीं खाते हैं। अब ये बताइए कि इस मशीन का प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, अगर 1 घंटा चलाता है या 8 घंटे चलाता है कोई तो? अच्छा, जैसे अभी हम एक बार में एक बैच डाल रहे हैं तो इसमें हम डालते हैं 1 किलो मक्का, तो उसके बहुत सारे पॉपकॉर्न बनते हैं आपने देखा, तो एक बैच का टाइम जो है घंटे में 5 मिनट का टाइम रहता है, 5-6 मिनट, हम 7 मिनट का भी पकड़ के चलेंगे, 8-10 बैच आराम से होनी है, 8-10 किलो आप आराम से कर सकते हैं। पहली बैच रहती है उसको थोड़ा टाइम, एक घंटे में 8-10 किलो प्रोडक्शन निकल सकता है इसका? निकल जाएगा, एक घंटे में आराम से आप 8-10 किलो पॉपकॉर्न बना सकते हैं। यानी दोस्तों 8-10 घंटा अगर आप इस पर प्रोडक्शन करते हैं तो 100 kg तक मिनिमम आप इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, पर डे कर सकते हैं। ₹50 से भी देखा जाए तो कम से कम दोस्तों इस उद्योग से आप ₹4000 भी कमा सकते हैं, लेकिन इतना सेल होगा नहीं। मिनिमम देख के चले तो कितना कमा सकता है कोई? अच्छा, ये पॉप आइटम होता है, इसमें हमने दिखाया वो एक काम आपको है मैं प्रोडक्शन का, इसके बाद छोटे छोटे पाउच पैक करने हैं, बाकी के हल्के फुल्के आपके काम रहते हैं जिसके सप्लाई करना, ये पकड़ के आज की तारीख में हम बोल रहे हैं कोई भी बंदा एक 20-30 किलो का भी प्रोडक्शन कर लेगा तो ₹1000-1200 आराम से कमा लेता है। बताइए कि पेड़ा बिजनेस, जैसे स्टार्ट में हमने इसका प्रोडक्शन देखा तो पेड़े के बारे में बताइए कि इसमें हम खवा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, पेड़ा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, और कोई अपने जिसका कोई किसी का खुद का टी स्टॉल है तो वहाँ पर भी वो खुद का बासुंदी बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। स्वीट जो है एक्चुअली पेड़ा बहुत ही जगह इस्तेमाल किया जाता है, कोई लड़का पास हो गया तो पेड़ा देना बोलते हैं, किसी का कोई काम हो गया गड्डी ले ली तो बधाई के लिए पेड़े देते हैं, रक्षाबंधन है तो पेड़े देते हैं। पेड़ा एक स्वीट के शुभ मुहूर्त के लिए स्टार्टअप पेड़े से करते हैं, तो पेड़ा कहाँ जाता है आपको भी पता होता है, हर एक को पता होता है, तो पेड़ा बेचना या पेड़ा सामने कहाँ देना है इसके लिए आपको मार्केटिंग की दिक्कत नहीं होगी, आपको मैन्युफैक्चरिंग आपके हिसाब से देखना है, थोड़ा दूध का आपके यहाँ अच्छी मात्रा में मिलना ज़रूरी है और आगे की प्रोसेस आप सिंपल कर सकते हैं। इसमें मार्जिन की बात की जाए तो मार्जिन अच्छा है दोस्तों, जहाँ आप क्वालिटी 1 नंबर दे रहे हैं, आपके दूध का फैट अच्छा है, वहाँ 40-50 रुपये किलो को आराम से कमा सकते हैं। तो ये बताइए कि हमारे सब्सक्राइबर के लिए इस मशीन की कीमत कितनी है? आज के जो हम लोग इसे मतलब नॉर्मल मार्केट में बेच रहे हैं तो इसकी प्राइस है 33,000, एक टिल्टिंग मॉडल आता है और GST अलग से है 12% इसके ऊपर, तो आपके सब्सक्राइबर के लिए हमने स्पेशल रखा है कि इसका 30,000 बेस्ट प्राइस रखा है और उस पर GST आज की तारीख में जो है वो लगेगी। ये आपके लिए स्पेशल, जो हमारे आइए कमाते चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनके लिए स्पेशल ऑफर है कि 30,000 में उनको मिल जाएगी। दोस्तों आपको भी अगर ये बिजनेस शुरू करना है तो ब्लू स्टार इंडस्ट्रीज का नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको कॉलिंग करना है, शुक्रवार को यहाँ छुट्टी रहती है इसलिए आप कॉलिंग ना कीजिए बल्कि सिर्फ व्हाट्सअप कीजिए। अगर आपको सर आपको व्हाट्सअप पर इसकी पूरी जानकारी देंगे कि भाई कितने उद्योग शुरू कर सकते हैं, कितनी लागत आएगी, कितना मुनाफा मिलेगा।